अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं इफ्तार स्पेशल मेयोनेज चिकन चीज़ कैंडी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। डिफरेंट टेस्ट है इसका, कुछ अलग टेस्ट है। जिसको बनाने के लिए 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमें बिल्कुल कम यूज़ करना है इसमें। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और इनको हल्का सा सॉटे कर लेना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। तो हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें चॉप की हुई कैप्सिकम डाल दिए हैं मैंने 1/2 कप। ये 1 कप मैंने गोभी ले लिए है, कैबेज, इसको हम डाल देंगे। मैंने बारीक चॉप किया है, आप चाहे तो मोटा मोटा भी चॉप कर सकते हैं, और आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको सॉटे कर लेना है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और उनका फ्लेवर भी आ जाए। वेजिटेबल्स को सॉटे करने के बाद इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट कम ही ऐड करना है इसमें, क्योंकि हम मेयोनीज़ का भी यूज़ करने वाले हैं, चीज़ का भी यूज़ करने वाले हैं। ये 250 ग्राम्स चिकन ले ली है, बॉईल करके मैंने इसको श्रेड कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त आप कच्ची चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डाल दें और उसको पका लें अच्छी तरह से। तो इन सबको अच्छे से सॉटे कर लेना है, ताकि चिकन में सब चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, फीलिंग हमारी चिकन की बन के बिल्कुल रेडी है। इसको पूरी तरह से ठंडा कर लिया है मैंने, उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। गरम गरम में आपने यूज़ नहीं करना है फीलिंग को। ये 1 बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, इसको हम इसमें डाल देंगे। टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने मेयोनीज लिया है, मेयोनीज इसमें ज्यादा जाएगी। आप अगर और ज्यादा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये ग्रेटेड चीज ले लिया है मैंने, प्रोसेस चीज लिया है, इसको डाल देंगे हम। 1/2 कप इसमें ऐड कर देना है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, रमज़ान और इफ्तार के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप वही पकोड़े, वही वड़े बना बना कर बोर हो गए होंगे, खा कर भी बोर हो गए होंगे, तो कुछ अलग बनाइए, कुछ नया बनाकर खिलाइए अपनी फैमिली को। तो ये देखिए, चिकन की फीलिंग हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, 1 अंडा ले लिया है फेंट कर, और ऑयल लगा लेंगे। सबसे पहले हाथों को ग्रीस कर लेना है, फिर बड़ा अमाउंट ले लेना है चिकन का जो फीलिंग हमने बनाई है। इस तरीके से रोल की शेप दे देनी है इसको। ये देखिए, इस तरीके से रोल की शेप दे दी है मैंने। सेकेंड वाली भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये नई नई डिशेस लाकर आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप कुछ नया बनाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। तो ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर है इसका और अच्छा है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको ब्रेड क्रम्स में और अंडे में डिप करके फ्रीज कर ले। 1 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए या 1 मंथ के लिए भी आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो इसको अंडे में डीप कर देना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे इसको। तो ये देखिए, कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स में। अब सेकेंड वाला भी इसी तरह कर लेंगे। सबसे पहले अंडे में डीप कर लेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और सारे रोल्स हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है, मीडियम गरम कर ले ऑयल को और 1 बाय 1 आहिस्ते आहिस्ते रोल्स डाल दे, एक एक करके।
जो हमने मेयोनीज चिकन कैंडी रोल्स बनाए हैं इनको डाल दें और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक, ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर ले। तो ये देखिए रोल्स फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है इन पर। अब हम इनको निकाल लेंगे, किचन टॉवल पर आप निकाल लें इनको। तो ये देखिए फ्राई होकर रेडी है, सारे इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये बेकिंग डिश ली है मैंने, इसमें वन बाय वन करके जो हमने मेयोनीज चिकन कैंडी बनाई है इनको एक के बाद एक रख देना है। इनको हम बेक करने वाले हैं ओवन में। अगर आप इसको बेक नहीं करना चाहते हैं तो गरम गरम में ही आप इसके ऊपर चीज़ डाल दें ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो अब इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे हम, स्प्रेड कर देंगे, जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा उतनी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके मैंने डाला है गार्निशिंग के लिए, थोड़ा लुक अच्छा हो जाएगा हरा धनिया डालने से। 180 टेम्परेचर पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक ही बेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने ओवन में इसको 5-6 मिनट के लिए बेक किया था, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो बहुत ही मज़े के हमारे मेयोनीज चिकन चीज़ कैंडी बनकर रेडी है। अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।